राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में प्रयागराज से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि मथुरा और काशी का पुनरुद्धार भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और काशी में भगवान शिव के मंदिर का नवोत्थान शुरू हो, तभी वह वासुदेवानंद सरस्वती अपने शरीर का परित्याग करें। इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से जुड़े अपने संस्मरण सुनाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि महंत जी की सरलता, सहृदयता व सर्व जनप्रियता का बखान कर पाना मुश्किल है। कहा कि वर्ष 1991 में वह गोरखनाथ मंदिर आए थे, एक स्थान पर पूजा करते देख महंत अवैधनाथ ने उनसे विशिष्ट स्थान पर पूजा करने का अनुरोध किया। वासुदेवानंद जी द्वारा ठिठोली करते हुए यह कहने पर कि तब तो यहाँ की गद्दी भी मेरी हो जाएगी, महंत जी ने सहज कह दिया, महाराज यह तो आपका ही है। मेरे मन में कुछ बात आ रही, मैं कह दूं। इसके साथ साथ हमारे वेदांति जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ आपके ही कार्यकाल में मुक्त होगा। मैं भी उसकी अपेक्षा करता हूं और आपको यह भी करना होगा कि अयोध्या का विकास बहुत जल्दी किया जाए, जो जो आपके मन में है उसे पूरा कर दें, क्योंकि प्रतिष्ठा जनवरी 24 में संभव है कि हो जाए ठाकुर जी की। उससे पहले अयोध्या का मार्ग वगैरह सब कुछ रामलला के अनुरूप बन जाए। और जैसा वेदांती जी ने कहा, मुझे भी अपेक्षा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो जाए, ये देख करके तब मैं संसार से परित्याग करूं, अपने शरीर का विसर्जन करूं, ये अपेक्षा हमारी है। इन शब्दों के साथ महाराज श्री अवैधनाथ के चरणों में अपने भाग्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। हमारे बीच हम सबके सौभाग्य से पधारे, प्रयागराज से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन, आशीर्वचन और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। पूज्य महाराज श्री नारायण 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 हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय गुरुवर्थे त्यक्तराजोपचरधर्मनं पदं पद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां हृतपदरजो जोहरीन्द्रानुजाभ्यां भैरोप्या छोरपडख्या प्रिभृहृषारुशत्रभ्रोभिजृम्भस्त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्ना भर्जनम भवबीजानां मर्जनम सुखसंपदां तर्जनम जमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम। तो तीन बार भगवान का नाम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री गोरक्षनाथ महाराज के, सत्य सनातन धर्म के, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। मुझे भैया ज्यादा बोलना आता नहीं है, महर्षि दिग्विजयनाथ जी महाराज को तो हमने नहीं देखा था, तब संपर्क नहीं था हमारा। ১৯৬০ का प्रयाग का अर्धकुंभ था, मैं बालक था 18-19 साल का। मेले में मैं टहल रहा था, तब ने महर्षि अवैधनाथ महाराज को मैंने देखा। उस समय वो जुआ थे, शिविर का प्रबंध स्वतः लेकर के चारों तरफ दौड़ रहे थे। मैंने देखा, मेरी श्रद्धा थी, मैंने जाकर के प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, तो मैंने बताया शंकराचार्य आश्रम में रहता हूं। इतने हमारी उनकी बात हुई, लेकिन जो स्नेहिल उनकी दृष्टि थी वो मुझे घर कर गई। इधर राम जन्मभूमि आंदोलन के अवसर पर बहुत बार मिलना होता था। 1991 के चुनाव के अवसर पर रामलला के पक्ष को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के साथ मैं भी चुनाव प्रचार भी कर रहा था। पहले पहल मैं आया यहां, ऊपर जहां आप रहते हैं उसके बगल कोने में रात्रि में मैं ठहरा। ठीक है, सवेरे उठा, स्नान स्नान करके मैं, मेरे पास एक कमरी रहती है, उसी को बिछा करके बैठ करके नीचे पूजा कर रहा था। तब तक महाराज श्री आ गए, कहा महाराज आप यहां कहां बैठे हो, शायद दूसरी तरफ कुछ विशिष्ट आसन रहा होगा, कहे आप वहां चल गद्दी पर बैठ करके पूजा करिए। मुझे कुछ हंसी सूझी, कुछ बाल चापल्य सूझा। मैंने कहा महाराज जी उस गद्दी पर बैठेंगे तो वो भी गद्दी हम ले लेंगे। महाराज जी बहुत भावुक हो गए, आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं महाराज जी वो भी गद्दी आपकी ही है। इतनी बात हुई थी उस समय। उनकी सरलता, सहृदयता, सर्वजन प्रियता का बखान करना बड़ा कठिन है। नारायण कैसे थे वो,
आप लोग जानते हो। उनका सारा कार्य बतला रहा है को कैसे थे। हम तो अपने वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आशा रखते हैं, अपेक्षा भी रखते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होने के नाते हम चाहते हैं कि उनके महर्षि के संकल्प को और आगे बढ़ावें। आश्रम की व्यवस्था तो चली रही, बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसे कहीं नहीं चल रही, कहीं नहीं किसी आश्रम में ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही। मेरे मन में कुछ बात आ रही, मैं कह दूं। इसके साथ साथ हमारे वेदांती जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ आपके ही कार्यकाल में मुक्त होगा। मैं भी उसकी अपेक्षा करता हूं और आपको यह भी करना होगा कि अयोध्या का विकास बहुत जल्दी किया जाए, जो जो आपके मन में है उसे पूरा कर दें, क्योंकि प्रतिष्ठा जनवरी 24 में संभव है कि हो जाए ठाकुर जी की। उससे पहले अयोध्या का मार्ग वगैरह सब कुछ रामलला के अनुरूप बन जाए। और जैसा वेदांती जी ने कहा, मुझे भी अपेक्षा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो जाए। ये देख करके तब मैं संसार से परित्याग करूं, अपने शरीर का विसर्जन करूं, ये अपेक्षा हमारी है। ये शब्दों के साथ महाराज श्री अवैधनाथ के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।